सोलन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीति में दोहरा चरित्र है और वह कहती कुछ और करती कुछ और है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहने को राम राज्य लाने का वायदा करती है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनमें से कईयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी आरटीआई सर के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा में 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ऐसे में भाजपा हिमाचल में राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकती है। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सुबह से ही प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान सुबह के समय अनुराग ठाकुर हमीरपुर न्यायिक परिसर में पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने गत दिवस रामलाल ठाकुर की सुजानपुर में हुई रैली के दौरान बंदगाड़ी में रोड शो को किए जाने पर भी चुटकी ली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामलाल ठाकुर एसी गाड़ी में बंद शीशे करके रोड शो करके चले गए हैं, तो ऐसे प्रत्याशी जनता की सेवा क्या करेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि मैंने लोगों का दिल भी जीता है और अब चुनाव भी जीतूंगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हमीरपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में कांग्रेस ने बाजार में डोर टू डोर जाकर प्रचार किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में पूरे बाजार की परिक्रमा की और दुकानदारों से रामलाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने दावा किया कि इस बार हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर जीत का परचम लहराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के रामलाल ठाकुर पर लगाए गए आरोपों पर नरेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि रामलाल ठाकुर पर अनुराग ठाकुर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर से पूछा कि रामलाल ठाकुर कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं, जो कि अपनी उपलब्धियों को बताएं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। वहीं रामलाल ठाकुर पर रोड शो के दौरान गाड़ी के बंद शीशे करके प्रचार करने पर जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अनुराग ठाकुर बताएं कि अनुराग अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहे हैं और केवल चुनावों के समय ही संसदीय क्षेत्र में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो गत दो दिनों में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं के अलावा हिमाचल का सबसे लंबा चुनावी रोड शो करके सबको हैरान कर दिया है। जिस तरह रोड शो के दौरान काफिले में हजारों गाड़ियों के साथ बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का लोगों को समर्थन मिला है, उसे देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी हमीरपुर के सुजानपुर में रोड शो करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जनता से समर्थन मांगा है। हालांकि दोनों ही रोड शो एक ही दिन हुए, लेकिन बीजेपी के रोड शो में जनता की उपस्थिति को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी के रोड शो के दौरान बिलासपुर से लेकर जाहू, पट्टा, भोटा, मोरसू, डिडवी, भिड़ा, धुसड़का में मिले भारी जनसमर्थन के चलते कांग्रेस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं रामलाल ठाकुर ने भी अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं, तो अनुराग बताए कि हिमाचल में सोसाइटी भी चली है तो क्रिकेट की कंपनी भी चली है और दोनों के अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और हिमाचल में दो दो कंपनियां चली हैं, इसलिए अनुराग बताए कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। बता दें कि जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर भी इस बार चौथी बार चुनाव मैदान में उतरकर जीत की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं सांसद अनुराग ठाकुर हिमाचल में भाजपा के पहले
ऐसा नेता बनने के लिए आतुर हैं जो लगातार 4 बार चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि 23 मई को जनता किसे अपना फैसला सुनाती है और किसे संसद में भेजती है। एच टुडे चैनल के लिए अश्विनी के साथ दीपिका की डेस्क रिपोर्ट। मोटा हमारा स्पष्ट है सर कि अभी 19 तारीख के चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो है ठाकुर रामलाल जी जो है हमारे प्रत्याशी हैं। सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी ये लोग उनसे लाभ लेके जो है इम्प्रेस होके जो है प्रभावित होके जो ये अपने आप जो है ये मैदान में मात्र शक्ति उतरी है ताकि जो है हम ठाकुर रामलाल जी को जो भारी बहुमत से बढ़ दिलाएं। ठाकुर रामलाल जी जो भारी बहुमत से जीत रहे हैं और यहाँ से जो है माननीय सांसद अनुराग जी का पत्ता साफ होने वाला है क्योंकि अगर उन्होंने कार्य किए होते तो उनका उनके उनके पिता श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो थे वो सुजानपुर से नहीं हारते।